नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम मथुरापुर पंचायत में हैं और हमारे साथ हैं मुखिया पति चंदन कुमार जी, जो कि यहाँ के मुखिया हैं, कौशल्या देवी उनके पति हैं, कार्यवाहक के तौर पे चंदन जी हैं। क्या कुछ पंचायत में बीते 15 से 16 महीनों में विकास का काम हुआ है, हमारे साथ है चंदन जी। आपको सबसे पहले लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका न्यूज का बिहार झारखंड का आभारी हूँ। 15 से 16 महीने का कार्यकाल खत्म हो गया, क्या कुछ काम हुआ है अभी तक? हाँ, काम तो हम अपने पंचायत में, पंचायत सबसे पहला मेरा काम था पंचायत सरकार का घेराबंदी करना, जो कि बहुत स्थिति खराब था। कोई इंदिरावास सहायक, पंचायत सचिव, लेखापाल कोई नहीं बैठते थे, तो ये पहले सबसे मेरा उद्देश्य था कि उसको मरम्मत करके सबको बिठाना। सात निश्चय योजना में नल जल योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जो कि मुख्यमंत्री जी का सपना है, लगातार 16 वर्षों से ये चल भी रहा है क्षेत्र में। इस आपके क्षेत्र में इसकी स्थिति क्या है नल जल की? देखिए, नल जल का मेरे पंचायत में, पंचायत से एक भी नहीं हुआ है, जितना भी नल जल हुआ PHD विभाग से हुआ है। विभाग इसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि लेयर गर्मी का समय है, भाग गया है, पानी बहुत जगह नहीं मिल रहा है, यही दिक्कत है पानी का है। उसके लिए आप क्या कुछ रणनीति बनाने वाले हैं? देखिए, उसके लिए तो हम रणनीति बनाने के लिए विभाग को लिखे कि जहां दिक्कत है तो चापाकल है उसको मरम्मत किया जाए, और जहां जहां आवश्यकता है एक आध दो चापाकल दिया जाए, जो कि गर्मी में पानी से निजात मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना भी महत्वपूर्ण योजना है, जिससे कि गरीबों के लिए मकान दिया जाता है, बनाने के लिए पैसा। क्या आपके यहाँ अभी तक कुल कितने टारगेट है और कितना लोगों को अभी तक सफल रहा है? देखिए, 78 ठो जब हम शपथ ग्रहण लिए तो 78 को टारगेट था मेरा प्रधानमंत्री योजना आवास का, जिसमें 38 को बचा हुआ है, बाकी और मिल गया है 28 को। उसमें क्या कुछ मतलब की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? नहीं, वो आवास में एक भी समस्या नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं है, वो जिसको मिला है वो बन गया है। इसमें बीच में बिचौलियों की भी रणनीति रहती है क्या, कुछ घूस वगैरह लेने का? नहीं नहीं, बिचौलिया तो यहाँ वो सब का कोई दिक्कत नहीं है। बिचौलिया दलाल टाइप के प्रवृत्ति के लोग वैसे? नहीं, दलाल यहाँ नहीं, मतलब साफ सुथरा है पंचायत। साफ सुथरा पंचायत। मनरेगा से काम हुआ है आपके यहाँ? हाँ, मनरेगा से भी काम हुआ। क्या करवाए हैं? मनरेगा से पैन का खुदाई करवाए, आहार का खुदाई करवाए, और एक तालाब भी बनवाए। नली गली में क्या कुछ काम करवाए हैं क्षेत्र में? हाँ, नली गली में जहाँ अति आवश्यक नली था, जहाँ कि आज 10 वर्ष से आने जाने में दिक्कत था, वहाँ नली बनवाए हैं। कितना फिट लगभग बना होगा आपके यहाँ काम? देखिए, नली तो टोटल हम 1500 फिट काम करवाए 3 जगह में। कितना गांव को उससे राहत मिल रही है? उससे 3 गांव में हम बनवाए हैं, 3 गांव में राहत। राशन कार्ड कितना बना है अभी आपके यहाँ? राशन कार्ड वो तो पूरा एकत्रित नहीं मालूम है, आंकड़ा परसेंटेज के अनुसार कि हमारे पंचायत में इतना लगभग बन चुका है। मैंने 70% यहाँ 70% मतलब बन चुका है आपके यहाँ? बन चुका है। और ये मूल समस्या आपके पंचायत में जिससे कि विकास में रुकावट हो रही है? देखिए, विकास में रुकावट की वजह ये है कि काम जैसे PCC हो जाए और फेवी ब्लॉक है, इस सब पर थोड़ा सरकार का पाबंदी है, इसलिए ढलैयार होने में दिक्कत हो रहा है। बस यही सारी समस्या। अब 3 साल का लगभग कार्यकाल बचा है, 3 साल में क्या कुछ ऐसा काम कीजिएगा जिससे कि जनता आपको फिर से चुने? देखिए, 3 साल में तो हम एक सपना और है कि मथुरापुर पंचायत में स्वास्थ्य विभाग पर हम ध्यान दे रहे हैं कि सबसे पहले अभी प्राथमिकता इस वित्तीय वर्ष में वहाँ स्वास्थ्य विभाग पर काम किया जाए। मतलब स्वास्थ्य उपकेंद्र की मांग आप कर रहे हैं? हाँ, उपकेंद्र है लेकिन उसको बड़ा सही से चालू न है, उसको फिर हम चालू कराएं। उससे मतलब कितना गांव को राहत मिलेगा आपका ये जो योजना बना रहे हैं? ये योजना में मथुरापुर पंचायत में 10 गांव पड़ता है, रेमनू विलेज एक है मथुरापुर, और 10 ठो हम टोला हैं, जो कि मथुरापुर से बड़ा गाँव है लेकिन टोला गिनती में आते हैं, रेमनू विलेज एक मथुरापुर ही है। ये थे मथुरापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि चंदन कुमार जी, जिन्होंने अपने पंचायत के विकास के लिए कई सारी योजनाओं पे काम किया है, खासकर ये स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इनके क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए कोई भी उपकेंद्र नहीं है। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।